January 19th, Jaipur. Dharma, jato bhakti radho khaj. Ahai tu kya prati hata, je atma sam prasidat. Shruta Goswami ji, bade bade rishi aur ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं जो वो धर्म पर धर्म पर और अपर ये जो भौतिक जगत इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी। भूमि रप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अस्तधा फिर भगवान बताते हैं अपरायम ये जो प्रकृति है भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये निकृष्ट प्रवृत्ति। देखा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगह जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिमित विनिमयम भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है तेजो बारिमित विनिमयम मट्टी जल और अग्नि इनका मिक्सचर एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम ये निकृष्ट है ये जो प्रकृति है निकृष्ट इतस्तु विधि में प्रकृति परा इसका अलावा और एक प्रकृति है वो परा प्रकृति। तो इधर श्रुत गोस्वामी बताते हैं कि सभी पुंसान परोधन जो भक्ति अधोक है जी जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है। परा प्रकृति कौन है भगवान कहते जीव भूतान महाबाह जयदम धार जते जगह जो जीव है वो परा प्रकृति है जो कि दुनिया को धारण करता। देखा मैं ये शरीर को धारण करता शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जी ये प्रकृति है ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं हम भगवान हैं नहीं ये भ्रम है इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए ये तो पुरुष हो गया तो पुरुष का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो प्रकृति है चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम
परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान बहुत कठिन है और भक्ति सरल है, वास्तविक बात यह है भक्ति बड़ा कठिन है। ज्ञान जैसे भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है कोई भक्ति को समझ सकता, तेषां ज्ञानी विशिष्ट। भगवान खुद कहते हैं मनुष्याणाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धः, जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्तिमान् तत्। ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है जततामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधो खजी, जिस धर्म का जागरण करने से अधोखज, जो भगवान अधोखज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे, ज्ञान है अखज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारण तो ज्ञान कहा जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध, अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधारणा में चलते हैं, हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनावन, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है वो मांग प्रबद्धते। भगवान कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं जो हमारा चरण में है वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका अभी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं मास्टर, बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते हैं जिन्नेर बिंदा को विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो गया। वो ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया। थोड़ी प्रश्न करना चाहिए, पहले जादो गुरुपाश्रम, गुरु का आश्रय करके फिर नम्रता से प्रणिपात करके उनकी सेवा करके, सेवा केवल परिप्रश्न करें या प्रणिपात करें, सेवा का विषय कुछ काम नहीं। ये तो पारमार्थिक तत्व तो सभी तभी लाभ हो सकता है, सेवन मुखी ही जीवा दो, केवल सेवा से। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, पहले सेवा पर फिर भगवान को समझो। ऐसी बात नहीं है
खुद हम किताब पढ़ लिया और खुद वेदांत पढ़ लिया भगवान के सामने। नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं जे जतताम की सिद्धिया नाम कश्चित वेतिमान तत्व तद विधि परिपाते परिप्रश्ने सेवया उपदक्षति तद ज्ञान ज्ञानी ना तत्व दर्शिना। तात्विक समझने के लिए जो ज्ञानी जो विद्वान जो भगवान को तात्विक जानते हैं उनका पास जाकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण करके भगवान को समझने को मौका मिलेगा। हाँ, वो दरोजा खोल दे सकता। हाँ, वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो ये सिद्धांत है। वेद वेदांत चिरकाल पढ़ोगे और भगवान को नहीं समझ पाओगे। यदि भक्त का पास जाओगे उनका चरण में सिर झुका दोगे तो वो तुमको भगवान को ऐसा हाथ से दे देगा, ले भगवान ले भगवान वो दे सकता। हाँ, ये भगवान भगवान की विशेष कृपा है उनका भक्त का भी। हाँ, ये भागवत में कहते हैं जब उपाश्रयाश्रय। हाँ, यदि भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करे तो कीरा तो हूनान फुरी न फुक कसा आभी सुंभा जमुना खसा जन नहीं चुपा और भी जितने पाप लिया। यदि भगवत भक्त का चरण का आश्रय ग्रहण करे तो शुद्धंती उशुद्ध हो जाए। हाँ, ये भी कहा शुद्धंती। हाँ, और आज साधारण आदमी कहेंगे देखो जी ये तो अमेरिकन है और मिलेच है जबल है इनको संन्यास दे दिया। क्यों नहीं संन्यास दिया जाए? वो शुद्ध करने का जो विधि है वो शुद्ध करके सभी को दे सकता है। किरात हूं नंद पुनिंद सारी सुबह जमुना सब कोई भगवान के लिए सबका रास्ता खुला है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मांग ही पार्थ व्यपाश्य जे पीछू पाप झून कोई ना कोई पाप जमी नहीं इस पर जन्म। यदि विधि से भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण करता है से भी जानती प्रणति सब पर गति लाभ करेगा। ये सब शास्त्र सिद्धांत तो है। हम लोग जो यही कर लिया था जो अगर हाँ, भगवान तो मिल सकता है तो ये भारतीय को ही मिल सकता है। हाँ, और किसी को नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं सबको मिल सकता है, सबके लिए हमारा रास्ता खुला। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं पृथ्वी से आछे जब तो नवरा सर्वत्र प्रचार हो ही वो सारा पृथ्वी जितना गांव है जितना शहर सब जगह में ये हरि नाम कीर्तन हमारा नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार ये हो रहा है। तो तात्विक समझना चाहिए अपना उस सीमित बुद्धि से और घर में बैठ करके काम नहीं हो। मनुष्या नाम सतताम भी सिद्ध है ना। अब जाकर के भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो लकड़ी काट पत्थर का ज्ञान है। हम तो लकड़ी को देख सकता है, पत्थर को देख सकता है, मट्टी को देख सकता है। क्योंकि हमारा आंख अभी ये इतना सच्ची नहीं है कि भगवान को देख सकता। हाँ, इसलिए भगवान हमको कृपा करने के लिए हाँ वो जो हम पत्थर देख सकते हैं इसलिए वो पत्थर का मूर्ति से भी भगवान हमारे सामने खड़े हैं। देख, ये भगवान की कृपा है क्योंकि मैं तो पत्थर और लकड़ी बिना देख ही नहीं सकता। तो भगवान अच्छा सही मैं पत्थर का मूर्ति से ही तुमको कृपा करूंगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। और ये पत्थर नहीं है, भगवान तो सभी चीज है। उसको भगवान समझा रहे हैं भूमि रपान लो बाल भूमि रपान लो बाल खांग मनो बुद्धि देवत अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रसला। भगवान कहते हैं कि हमारी सब प्रकृति है भिन्ना। तो भूमि अपान लो वायु ये भगवान से फर्क कहां है? किधर से फर्क हो? हाँ, शक्ति शक्ति मत वो अभेद शक्ति या शक्तिमान ये अभेद है। जैसे सूर्य
सूर्य शक्तिमान है और उनका किरण जो है जो शक्ति है, क्या आप किरण सूर्य का किरण और सूर्य का अलग कर सकते हैं? नहीं, संभव नहीं। इसी प्रकार ये भगवान जो कहते हैं कि भूमि रापा अनल वायु खन मनो बुद्धि रेवर, यही लेकर के हमारा शरीर है, सारा भौतिक दुनिया है। भूमि, भूमि का अर्थ होता है जमे, आप का अर्थ होता है जल, भूमि आप अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, भूमि आप अनल वायु हवा, और खन आकाश, और मन और बुद्धि, ये सब चीज भगवान का ही शक्ति का परिचय है। और यही सब चीज लेकर के हमारा शरीर बना है, तो हमारा शरीर जो है ये भगवान का ही है, ये तो सबको ही समझ सकता है। और जब भगवान का शरीर है, ये भगवान की चीज है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसा हमारा मकान है तो हम रहेंगे उसको, मैं व्यवहार करेंगे, उसमें दूसरा आदमी क्यों दखल दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि दुनिया सब चीज ही भगवान का ही शक्ति का परिचय है, तो तुम्हारा चीज कहां से हुआ? तुम्हारा चीज कहां? इसी का नाम है माया, अहम ममे थी, मैं ये हूं और ये हमारा है। जनस्व लोक, जनस्व मोह है, यही मोह, चीज सब भगवान का है और मैं सोचता हूं ये हमारा है। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, जैसा एक बढ़ई है, आप उनको लकड़ी दिया, उनको पैसा भी दिया, उनको यंत्र भी दिया, और समझ लीजिए अच्छा एक चीज बना दिया, एक चौकी बना दिया, अलमारी बना दिया। अगर वो कहता है जो हुजूर ये तो मैं बनाया हूँ, ये हमारा चीज है, ये हो सकता है? ये कैसे होगा? जो तुमको चीज दिया है, जो तुमको पैसा दिया है, वो उनका हो, उनका हो। ये हम लोग जो मकान बनाते हैं मट्टी पत्थर और लकड़ी, तो ये लकड़ी पत्थर मट्टी किसका है? ये तो भगवान का है। तो हम थोड़ा तकलीफ करके परिश्रम करके एक मकान बना लिया, तो तुम्हारा मकान कैसा हो गया? देखिए थोड़ा समझ कर, भगवान कहते सब हमारा चीज है, तो तुम्हारा कैसा होता? ये जो बुद्धि है, ये तात्विक ज्ञान है। इस प्रकार समझ करके जो चलते हैं, वो तात्विक ज्ञान भगवान का विषय लाभ कर सकता है। ईशावासमिदं सर्वम् जब किंचित जगत त्याग जगत तेना तत्तेना भुंजी था माँ विदा कश्यसी धनाम, ये वेद का उपनिषद का यही निर्देश है। और भगवान खुद भी कहते हैं सब चीज हमारा है, तो ये सब चीज भगवान का है, फिर मैं उसमें क्यों दखल देता हूँ? ये हमारा चीज है, यही अशांति का कारण। ये बुद्धि जब उनको खुल जाएगी जो हमारा चीज कोई है नहीं, कोई चीज भी हमारा नहीं है, सब भगवान का चीज है, ये हमारा शरीर भी भगवान का है, और मैं जो है जीवात्मा, मैं भी भगवान का अंश है, तो सब जब भगवान का हो गया तो हमारा काम क्या रहेगा? हमारा अंगली, ये हमारा अंगली क्या काम करेगा? हमारा सेवा करेगा? इसी प्रकार यदि सब भगवान का ही हुआ, तो सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। इसका नाम है तात्विक दर्शन, कुछ चीज बेतिमान तत्व कर। इसी प्रकार विचार करके सब चीज आप ग्रहण करेंगे, तो प्रति पद पद भगवान का दर्शन होगा। भगवान दर्शन करना कोई मुश्किल नहीं है, इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए, जो वास्तविक मैं कौन है, भगवान क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है, हमारा क्या संपर्क है, ये यदि हम लोग समझ में लाए ठीक ठीक से, ठीक भगवान का तात्विक दर्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, जय January 19th, जयपुर। धर्म जतो भक्ति रधो खज अहैतु क्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसीदति। श्रुत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं, जो वो धर्म पर धर्म पर और अपर
ये जो भौतिक जगत इसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता से आलोचना हो रही थी, भूमि रप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रकृति। देखा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगह जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिमित विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम ये निकृष्ट है, ये जो प्रकृति है निकृष्ट है। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है वो परा प्रकृति। तो इधर सूत्र गोस्वामी बताते हैं कि सभी पुंसांग परोधर्म जो भक्ति अधोक है जी, जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है। परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीव भूतांग महाबाह जयदम धार जते जगह, जो जीव है वो परा प्रकृति है जो कि दुनिया को धारण करता। देखा मैं ये शरीर को धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जी ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम है, इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए ये तो पुरुष हो गया, तो पुरुष का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजन, अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता, और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है उसका नाम है प्रकृति। इसलिए जो भक्ति जो है ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान
बहुत कठिन है और भक्ति सरल है। वास्तविक बात यह है, भक्ति बड़ा कठिन। ज्ञान जैसे भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम सभी ज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी वास्तविक जो ज्ञानी है वो ही भक्ति को समझ सकता, तेषां ज्ञानी विशिष्टः। भगवान खुद कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धः, जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्तिमान् तत्। ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जततामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए, ऐसे जो ज्ञानी, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधो खजी, जिस धर्म का जागरण करने से अधोखज, जो भगवान अधोखज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे, ज्ञान है अखज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारण तो ज्ञान कहा जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मान प्रबद्ध, अनेक जन्म एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधारणा में चलते हैं, हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है वो मांग प्रबद्धते। भगवान कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं जो हमारा चरण में है वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका अभी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं मास्टर, बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बताते हैं जिन्नेर बिंदा को विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो, ऐसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया।